आज जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो आधार कार्ड का कैंप है। आधार कार्ड जो है वो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सबसे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, एक नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आज की तारीख में आता है वो आधार कार्ड होता है। और हमारे माशरे में मैंने देखा है कि आधार कार्ड जो है लोगों का वो बराबर से अपडेट नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है बराबर, तो किसी का एड्रेस नहीं है। तो इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये दो दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारा जो ख़ानदान है, हमारे आबो अजदाद यहाँ के हैं। आज मैं समझता हूँ तकरीबन 200 साल के भी ऊपर हो गया हमारे ख़ानदान को यहाँ पे। आज 8वीं 9वीं पीढ़ी चालू है मेरे ख़ानदान की यहाँ पे। तो हम यहाँ के भूमि पुत्र है, मूल निवासी है यहाँ के। तो मेरे बड़ों ने भी खिदमत की है, हमने हमारी जाती ज़मीनें भी दी है मस्जिद के लिए और भी कब्रस्तान के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। तो मेरे बड़ों से ही मैंने सीखा ही है कि किस तरीके से खिदमत की जाती है। यंग जनरेशन की तो काफ़ी ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे शहर का हाल है आप देख सकते हैं, पिछले 10-12 सालों से क्या हो रहा है, बस बातें ही हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज़ बैनर पे नज़र आ रही है। ग्राउंड वर्क जो है, ज़मीनी वर्क, जो ज़मीनी काम हम जिसे कहते हैं, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं अपने यंग जो है मेरे भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़े और अपनी कौम की खिदमत के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और यंग जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शहर को। पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। अरे 15 लाख की आबादी, 15 लाख की आबादी है और हमारे वोटर है 1,80,000, 2,80,000, यही कहलाते ना 15 लाख की आबादी में। तो 15 लाख की आबादी में 2,80,000 वोटर, ये कहा जा रही है? सब समझ रहे हैं, जो बोल रहे हैं लोग समझदार है, वो समझ रहे बातों को। शेर भाई, इस बार का जो इलेक्शन है शहर में देख रहे हैं कि यंग जो पॉलिटिक्स है, यंग लोगों को वो काफ़ी देखने को मिल रही है और काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आपने लेट हाजी निसार अब्दुल हमीद डोंगरे, मजीद डोंगरे, अब्दुल मजीद डोंगरे की मेमोरी में आपने यहाँ पर 2 रोज का डॉक्यूमेंट्स स्कैन रखा, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे और डॉक्यूमेंट्स की आज ज़रूरत कितनी है और जिस तरह से जागरूकता है लोगों में, कमी है ज़्यादती है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। आज जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है वो आधार कार्ड का कैंप है। आधार कार्ड जो है वो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सबसे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, एक नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आज की तारीख में आता है वो आधार कार्ड होता है। और हमारे माशरे में मैंने देखा है कि आधार कार्ड जो है लोगों का वो बराबर से अपडेट नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है बराबर, तो किसी का एड्रेस नहीं है। तो इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 2 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है आधार कार्ड का। यानी कि जो लोग आज नहीं करा पाएंगे वो कल भी करा सकते हैं, इंशाल्लाह वो कल भी करा सकते हैं। ये 2 दिन का कैंप है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का वक्त रखा है हमने। और ये कैंप आप देख सकते हैं भाई कि आज काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, इसका मतलब ये हमारे माशरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमने तकरीबन 300 के करीब फॉर्म बांटा है और 150 के करीब अभी तक लोगों ने अपना नाम दर्ज करा दिया, अपडेट करा दिया है जी। अभी आपने एक बात कही थी, हमने सवाल पूछा, अधूरा रह गया कि माशरे को काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की जी, क्या करना? आप जानते हैं कि अभी जब कोविड आया है, कोविड के पहले हमारे कंट्री में, इंडिया में जो CAA कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किया था, जो अब रुक चुका है, तो वो कभी भी आ सकता है फिर से। और हमारे माशरे को ये डॉक्यूमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के जो है हर चीज़ आधार कार्ड से, आप देख रहे KYC हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज़ जो है आधार कार्ड से अपडेट और लिंक करना ज़रूरी है। बुनियादी सुविधा जो है उसे पाने के लिए आधार कार्ड सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, उसी के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है कैंप। और एक बेहतरीन चीज़ अभी देखने को मिल रही है, सुकन्या योजना, और उसका भी हमने देखा यहाँ पे आपने जी एक लगा हुआ है यहाँ पर कैंप। तो सुकन्या योजना के ताल्लुक से आप जो शहर की महिलाएं खड़ी, क्योंकि वो बच्चियों के लिए जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्कूल जाने वाली खासतौर से बच्चियाँ हैं जी, छोटी बच्चियाँ, उनके एजुकेशन को लेकर वो है, तो उसके ताल्लुक से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि एक दिन बाकी है इसके। सुकन्या योजना के हमने 100 फॉर्म्स ऑफिशियल जो है सरकार की तरफ से ऑफिसर्स, उनसे कांटेक्ट करके हमने 100 फॉर्म्स मुहैया कराया लोगों के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइज़ किया है 100 फॉर्म। और ये जो फॉर्म है इसमें जो आपको मंथली जो है 250 रुपीज़ से आप जितना भर सकते हैं, उसका आपको जो 15 साल के बाद में डबल पैसा मिलेगा। तो फिलहाल जो है ये फॉर्म हम हमारी तरफ से फ्री में दे रहे हैं हमारे लोगों को, क्योंकि ये जो इसका जो पैम्फलेट है उसको देख के लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसमें 250, 500, 100 लिखा हुआ है।
जी कंफ्यूजन को देखते हुए क्या कहेंगे कि मतलब बिल्कुल फ्री है आपके? मेरे यहाँ पे मैंने ये जो है ये फ्री रखा है, आपको फॉर्म लेना भरना है फ्री, और बाद में जब नेक्स्ट मंथ से है आपको जो है आप मंथली 250 रुपया 500 रुपीज़ जो भी आपकी इस्तेदाद है उस हिसाब से आप भरिए। 15 साल तक आपको ये पैसा भरना है, उसके बाद में आपको ये पैसा डबल होकर सरकार की तरफ से मिलेगा। आखिर में शोएब भाई एक चीज़ आपको जानना चाहेंगे, डोंगरे खानदान जो जी डोंगरे फैमिली की खिदमत तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक यंग नेता होने के ताल्लुक से जी, और एक यंग नेता होने के नाते और जिस तरह से आप पॉलिटिक्स में आप चाहते हैं कि जनता की खिदमत करें जी, ताल्लुक से आप डोंगरे खानदान का क्या तारुफ देंगे और क्या आपके इरादे हैं आगे किस तरह की खिदमत करनी है आपको? भाई हमारा जो खानदान है हमारे आबो अजदाद यहाँ के है, आज मैं समझता हूँ तकरीबन 200 साल के भी ऊपर हो गया हमारे खानदान को यहाँ पे, आज 8वीं 9वीं पीढ़ी चालू हुई मेरे खानदान की यहाँ पे, तो हम यहाँ के भूमि पुत्र है, मूल निवासी है यहाँ के, तो मेरे बड़ों ने भी खिदमत की है, हमने हमारी जाती ज़मीनें भी दी है मस्जिद के लिए और भी कब्रस्तान के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए, तो मेरे बड़ों से ही मैंने सीखा ही है कि किस तरीके से खिदमत की जाती है, बस उसी नक्शे कदम पर बड़ों के चलते हुए मैं खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अपने आखिरी सांस तक कोशिश करते रहूँगा। शहर में यंग पॉलिटिक्स की ज़रूरत को किस तरह से देखते हैं, जैसे कि आपके साथ में खड़े हुए राहिल भाई है हमारे जी, और आप एक खुद एक यंग है और ऐसे दूसरे कई यंग नेता है शहर में, और उनका नेतृत्व करने के लिए आपके बाजू में खड़े हुए जनाब जावेद सिद्दीकी, नफीस भाई भी काफ़ी तजुर्बाकार है और हमारे जनाब जी है वो भी काफ़ी अच्छे मुकर्रर भी है और अच्छी समझ भी है सूझबूझ की, और बाकी लोग भी होंगे, जलील भाई है आपके साथ में, तो यंग पॉलिटिक्स की आप किस तरह से ज़रूरत? यंग जनरेशन की तो काफ़ी ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारे शहर का हाल है आप देख सकते हैं पिछले 10-12 सालों से क्या हो रहा है, बस बातें ही हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज़ बैनर पे नज़र आ रही है, ग्राउंड वर्क जो है ज़मीनी वर्क जो ज़मीनी काम हम जिसे कहते हैं वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं अपने यंग जो है मेरे भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़े और अपनी कौम की खिदमत के लिए अपने शहर के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और यंग जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शहर को। जावेद सिद्दीकी साहब है हमारे साथ में, शब्बीर जावेद भाई क्या कहेंगे, निरंतर ये 2 दिन के अंदर दूसरा कैंप हम देख रहे हैं शोएब भाई की तरफ से, मेडिकल कैंप इन्होंने भी लगाया था हाल ही में जिसमें मुफ्त में चेकअप था हार्ट का, और आज ये डॉक्यूमेंट्स के कैंप के लिए उतरे हैं और आप मौजूद हैं उनके हौसला अफजाई के लिए, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए मुमरा शहर के अंदर आप इलेक्शन आते ही देख सकते हैं कि सत्ताधारी चाहे वो ऑफिस की इफ्तिदा हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे कोई हो, ये अभी दिख रहे हैं। हम लोग जो हमारे डोंगरे परिवार से हमारा ये नौजवान जो है जो काम ज़मीनी तौर पे कर रहा है उसके हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और सबसे पहले मैं उन आप पॉलिटिक्स की बात किए तो मैं पॉलिटिक्स की भी आपको जवाब देता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, किसी नेता ने कहा है कि मुमरा शहर में जो यहाँ की जनता है उसके लिए हमने गंगा बहा दिया है, तो आज मैं जाओ स्पॉट में खड़ा हूँ, यहाँ पे आप बाजू में देख सकते हैं यहाँ पे एक नाला है, पिछले चंद बारिश के लम्हों में यहाँ की जो गरीब जनता है या जो भी जनता है उनके घरों में पानी भरा था, ये इसको आप नकार नहीं सकते, ये आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहिए कि जो 15 साल से सत्ताधारी यहाँ पे महफूज हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अपोजिशन नहीं है, आपके न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने अभी कहा है, तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन बता के नहीं आती है, अपोजिशन ज़मीनी लड़ाई लड़ के बताएगी, जिस तरह फिरौन को अल्लाह ताला पैदा किया है उसी तरह आज इंशाअल्लाह मूसा जैसे बहुत से लोग पैदा होंगे, और इनको जो है जो बोल रहे हैं बड़ी बातें अल्लाह ताला इनको यहाँ से खदेड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि नाला जो है आज 15 साल से नाला नहीं बना सकते, तो इसलिए ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है थाने महानगर नगर पालिका में इनको भेजा जाए, और ये आंख में आंख डाल के बात करेंगे, ये खानदानी है और ये ऐसे लोग रहेंगे हमारा शहर का विकास होगा,
और ये जो आधार कार्ड का कैंप है इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग को बताना चाहिए कि जो आधार कार्ड है, जो एनसीपी का एक नगर सेवक आधार कार्ड इंडिविजुअल लाइसेंस सरकार से कलेक्टर से लिया, वो म्युनिसिपैलिटी से मिलके और सत्यधारी से मिलके वो ऑफिस जो है एनसीपी का बैनर लगा हुआ फोटो लगा है तो वो राजनीतिक वो लोगों ने किया है, हम लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। और हमारी प्रशासन से टीएमसी से मेरी गुजारिश है कि जो ऑफिस में आपने किसी पार्टी लेवल के आदमी को दिया है उसी तरह ऐसे नौजवान को मुमरा शहर में आपको ऑफिस देना जरूरी है, जो कि ऐसे नौजवान हमारी पर्दा नसीम जो माँ बहने हैं उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं 100 रुपया लेते लेकिन 100 रुपया के लिए बोलते अपडेट करो ये तुम्हारा पुराना हो गया, तो ये खेल खत्म करने के लिए हमारे नौजवान आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दिलीप भाई इस तालुक से आप क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कैंप भी लगा है और अभी जावेद भाई ने कहा कि जो शहर की जो महिलाएं होती है पर्दा नशीन माँ बहनें होती है वो उतनी लंबी लाइन नहीं लगा पाती, क्योंकि एक ही शायद एक दो ही आधार सेंटर शहर में होंगे और वहाँ पर भी जाने के बाद में लोग मायूसी लौट आते कभी नंबर, फिर कभी 6 बजे के बाद सिस्टम का ना चलना दूसरी चीज़ों को लेकर। अभी इन्होंने जावेद भाई ने कुछ कहा कि भाई सियासत भी होती है इसको, तो क्या कहेंगे? देखो ये कैंप लगना और शोएब भाई ने तो सब पूरी बात आपको बता दी कैंप के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और उसको कैसा किया जाएगा। तो ये खिदमत एक खल्क है, मैं जो है थोड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूँगा। मसला ये भाई क्या मैं ये शहर में कहाँ से आया हुआ नहीं हूँ और जो आए हुए भी है तो हम उनको वेलकम करते हैं, उनको सलाम है, उनको सलूट है मेरा। क्या पॉलिटिक्स को समझे, पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। नगर सेवक बनना और जीत के जाना अलग बात, ये अलग बात है, उसको समझना चाहिए, उसका प्रैक्टिस चाहिए नगर सेवक बनने के बाद में। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन के ये हमारे शहर में 7वां इलेक्शन हो जाएगा, 6 इलेक्शन हमारे इधर हो चुके, तो समझो पहला इलेक्शन जो हुआ तो थाने के बशीर बापे नगर सेवक थे, उसके बाद में राबोड़ी शहर में एक यंग स्टार जिसका नाम है नजीबुल्ला वो नगर सेवक हुए, वो नगर सेवक होने के बाद में उन्होंने स्टेट सेंटर की निधि लाके वहाँ से लाकर यहाँ पे थाना में एक कमेला तैयार किया स्लॉटर हाउस। तो आज हम लोग यहाँ की जनता जो है मुमरा के शहर के लोग रहने वाले आज 30 साल से टैक्स भर रहे और इसकी सहूलत में इतनी जनता जो इतने लोग जो हमारे करीब है लोग चाहते जानते हैं कि वहाँ पे वो सलाटर हाउस में आज 2 से 5 हज़ार लोग रोजगार करते हैं रोज राबोड़ी टपके में। तो मुमरा शहर के जो लोग जनता जो है 15 लाख कहलाती है और फिर यहाँ पे एक दूसरा मुद्दा आता है कि हमारे 15 लाख के आबाद 15 लाख की आबादी है और हमारे वोटर है 1,80,000 2,80,000 यही कहलाते ना 15 लाख की आबादी में, तो 15 लाख की आबादी में 2,80,000 वोटर ये कहा जा रही है, सब समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं लोग समझदार है वो समझ रहे हैं बातों को, विधानसभा हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं हाँ तो एक तरह से समझ रहे लोग हाँ प्रेशर लग रहे हैं। तो उसके बाद में एक जब से आज तक 6-30 सालों में सलाडर हाउस यहाँ पे नहीं हो रहा है और महासभा जिसको महासभा हाउस बोला जाता है वहाँ पे जाने के बाद में अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग जो है वो जाना चाहिए, उन्होंने सोचना चाहिए बातों के ऊपर कि हाउस में क्या बोलना है, क्या बोलना है हमको, और हाउस में जाने से पहले उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस वो करना चाहिए कि हमारे एरिया का हमारे शहर का टैक्स की वसूली कितनी होती है, टैक्स की वसूली कितनी होती है वो तालुका से उन्होंने हाउस में बोलना चाहिए। तो ये तो बात होती नहीं और हमारी जितनी महिलाएँ जा रही है कॉरपोरेटर बन के उसमें से महिलाओं की रिपोर्ट लो, एक जब दाखिल होता है हाउस में महासभा में जब दाखिल हो जाता है बोलने के लिए तो वहाँ पे एक बेंच रहती है और सामने जो माइक रहता है उसमें तो वहाँ पे एक रजिस्टर रहता है, रजिस्टर के ऊपर साइन कर दिया इनकी महासभा खत्म हो जाती है। एक वाइस तक जो लेडी है एक लेडी 5-6 लेडी में एक लेडी ऐसी बोलती है जिसका नाम है अश्विन राउत, सिर्फ हाउस में बोलती है अश्विन राउत मैडम बोलती है, बाकी कोई लेडी नहीं बोलती है।
जब पढ़ाई होगी तो बोलेंगे, जब पढ़ाई नहीं तो कैसे बोलेंगे। तो खाली यहाँ के लोगों के साथ में खेलना क्या भाई, हम आएंगे वक्त पर, हमको वोट दो। तो ऐसे लोगों को वोट दिया, जब मैं अपील करता हूँ लोगों से, ऐसे लोगों को वोट दिया जो हाउस को, जो हाउस में जाके बोले लोगों के पास। और शहर के मुद्दे को जमीनी तौर पे देखे हुए, हाँ देखे हुए हम लोग ने। हम मैं 30 साल से इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, अच्छे अच्छों को मैं गलाया और अच्छे अच्छों को यहाँ पे उठाया हूँ। मैं इंसान हूँ, बस इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। नफीस भाई क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैं सबसे पहले जनाब शोएब डोंगे साहब को मुबारकबाद दूंगा। वाकई मैं ये उनके दूसरे, अभी हाल ही में इन दो दिनों के अंदर ये दूसरे कैंप में मैं इनके आया हूँ। इससे पहले इन्होंने वहाँ पर हार्ट के पेशेंट के लिए कैंप लगाया था और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये। और ये डॉक्यूमेंट कागजात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे कौम के लिए। आज हमारी कौम जो सबसे पीछे है, उसका सबसे अहम मुद्दा यही है कि हमारे कौम के पास कागजात तो बहुत है, लेकिन उन कागजातों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है। नामों में मिस्टेक्स है, आधार कार्ड पे कुछ नाम है, पैन कार्ड में उस नाम में थोड़ी सी हेर फेर है, राशन कार्ड पे नाम कुछ और है, उसमें थोड़ी सी हेर फेर है। ये कागजात जो प्रॉपर ना होने के कारण हमारी कौम जो है सरकारी काफ़ी स्कीमों का फायदा उठा नहीं पाती है। और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शोएब डोंगरे जी, जो सबके कागजात को जो है प्रॉपर कर रहे हैं। आधार कार्ड का कैंप ये बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। सुकन्या योजना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी स्कीमों का फायदा आपको कब मिल सकता है? जब आपके कागजात प्रॉपर होंगे तो ही इन चीज़ों का। एक छोटी सी बात आपके पूछेंगे आखिर में। कैंप का इंतजार कर रही है जनता, ऐसा लगता है कि भाई कैंप्स लगे तो हम जाके डॉक्यूमेंट अपलोड, सही लगता है आपको? क्या कहेंगे? खैर थोड़ी सी जनता की भी लापरवाही कहो या मजबूरी कहो, क्योंकि हमारे लोग कैसा है कि ज़्यादातर जो है हमारी कौम में रोज़ कमाना रोज़ खाना, यानी कि रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, इस तरह का भी मामला है। तो ऐसी जनता जो है वो यहाँ से थाना तक जाए गवर्नमेंट के, यानी कि वो गवर्नमेंट को जो है ना ये सारी सुविधाएं जो यहाँ पर हमारे मुमरा प्रभाग समिति ने उपलब्ध करा के देनी चाहिए कि लोगों को जो है थाना जाना आने का जो खर्चा है या एक दिन पूरा जो टूटेगा आदमी, वो सोच के जो है थोड़ा सा इस चीज़ में लापरवाही बरतता है। अब सोचिए कि शोएब डोंगरे जी यहाँ पर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इस कैंप को यहाँ पर उन्होंने लगाया है जनता की भलाई के लिए, लेकिन उसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं। मैंने सुना कि सुबह से यहाँ पर लाइट काट दी गई है ताकि इनका कैंप जो है फेल हो जाए। आखिर क्या है ये? आपका याराना तोरण से बहुत बेहतरीन है, हमको पता है, और तोरण से ये कहूँगा कि ये इस तरह का पक्षपात ना करे। आपने बिना नोटिस दिए जो यहाँ की लाइट किस तरह से कट की? अगर आप कोई वर्क करने वाले थे, कहीं पर कोई काम करने वाले थे, आपको पहले से इत्तला करना चाहिए था कि हमारे इलाके में जो है ये लाइट यहाँ पर इतनी देर तक नहीं रहेगी, हम यहाँ पर काम करने वाले। आज ये एक लोगों की भलाई का यहाँ पर काम हो रहा है, इतना बेहतरीन काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको फेल करने के लिए खैर ये तो शोएब डोंगरी जी का बड़कपन है कि उन्होंने तुरंत जो है यहाँ पर इन्वर्टर का इंतजाम किया, बाकायदा जनरेटर मंगाया, जनरेटर का इंतजाम किया और इस कैंप को कंटिन्यू रखा। यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की अपने तौर से कि जहाँ तक हो सका हम करेंगे कि बिल्कुल बेशक बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि वाकई में ऐसे नौजवान लोगों को मौका देना चाहिए। हमारे साथ राहिल भाई भी मौजूद है। राहिल भाई क्या कहेंगे? आप भी यंग लीडर हैं, आप भी खिदमत के लिए उतरना चाहते हैं, और शोएब डोंगरे भाई भी क्या कहेंगे इस कैंप को देखते हुए? शोएब भाई आइए साथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फर्स्ट टाइम शोएब भाई के प्रोग्राम में आया हूँ। मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ शोएब भाई को, ऐसी तरीके से काम करती रही है और हम देखते हैं कि शोएब भाई हमेशा ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि शोएब भाई को पूरा सपोर्ट करो और एक बार उनको मौका दिया जाए। जैसे कि जिलानी भाई ने बहुत अच्छा बोले कि मुमरा के जो कारपोरेटर है, स्पेशली लेडीज़ कारपोरेटर, मेरे को लगता है उसमें जेंट्स भी कुछ हो गए। जलील भाई ने जो बताया ये बात है कि कुछ जेंट्स भी हो गए और लेडीज़ तो है ही, कि बात नहीं करते, खाली बैठे रहते, जाके साइन करके बोल देते हम लोग महासभा अटेंड करके। थैंक यू।